रिपोर्ट नमस्कार किसान साहब, मेरे हाथ में आज चूना जिससे आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आपको किसान साहब चूना लेना है, कैसे देना है, किस तरीके से देना है, प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जी देख लीजिए, ये हमारे पास चूना आपको देखने को मिलेगा। चूने की पाउच है हमारे पास, 4 पाउच है चूने का, जो कि हमारे बिहार में कहीं भी आपको चूना मिल जाएगा। किसी भी कंट्री से अगर आप वीडियो को देख रहे हो, चाहे यूपी से, बिहार से, बंगाल से, पंजाब से, कहीं से भी देख रहे हो, वही चूना लेना है जिससे हम दीवार को पोतते हैं। वही चूना लेना जैसे आप पहले दीवार पे देखोगे तो सर आपको चूना पोता हुआ मिल जाएगा। तो चूना कैसे देना है, किस तरह से प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। सबसे इससे आपके पशु दूध भी बढ़ेगा। और कुछ आपको एक चीज याद रखना है, आप किस पशु को नहीं, कौन से पशु को इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। तो वीडियो को शुरू करते कैसा सकते हो, अगर आप इस चैनल पहले विजिट करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर ले। इस चैनल के माध्यम से आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। तो ये हमारे पास चूना है जो कि आपको चूना मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। चूना ये चूने को पाउच में आपको मिल जाएगा। चूना आपको 1 रुपए का 10 पीस देता है, तो ये चूना आपको ले लेना है। 1 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा पानी का बाल्टी, तो आपको क्या करना है, चूना को अच्छे से इसमें डाल देना है। जैसा आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, इस चूने को एक पाउच को कम से कम 10 से 15 ग्राम की मात्रा में जो चूना है हमारे पास, वही चूना जो हम तंबाकू में यूज करते हैं, वही चूना जो हम जिससे हम दीवार को पोतते हैं, आपको वही चूना लेना है किसान साथियों। ठीक, इस चूने को कैसे देना है, किस तरीके से देना है, प्रॉपर आप इस वीडियो में देख सकते हो किसान साथियों। तो सबसे पहले हम क्या करें, चूने को आराम से जो बाल्टी के अंदर हमने चूने को डाला था उसको जिससे हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसको चूने को आपको इस तरह से पानी के अंदर मिक्स कर देना है। और आपको क्या करना है, बाल्टी जो आपके अंदर बाल्टी है, आप अपने पशु की नाद में ऐसे रख दें। आपके पशु को जब जिससे प्यास लगेगी उस समय इसको पिएगी। इससे देने से क्या बेनिफिट, आपके पशु का दूध बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो पशु आपके कमजोर है, जिनको कैल्शियम का कमी हो रहा है और आपके पशु दूध नहीं दे पा रही है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया आपको गुण मिल जाएगा। इसको चूने को देने से क्या बेनिफिट, एक तो जी आपके जो पशु जो इस समय डिलीवरी होता है उस समय कैल्शियम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो जिस पशु का डिलीवरी होने वाला है उससे ठीक 10 दिन पहले आप चूने को चालू कर सकते हो, पानी के अंदर मिक्स करके आप इसको पिला सकते हो। जिस पशु का दूध घट चुका है, जो पशु दूध कम दे रही है, उसको आप चूना पानी मिक्स करके आप जिस तरीके से मैं रखा हूँ बाल्टी, आप रख दें बकेट में और आपके पशु को जब दिल करता है वो पानी को पी सकते हैं, रात के समय में, सुबह के समय में। आप बात करें देना कितनी मात्रा में, देखिए मेरे पास जो पाउच है, ये पाउच आपको 10 ग्राम का एक पाउच आता है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ 10 ग्राम का, तो दोस्तों 10 पैसा इसका मिलता है। 1 रुपये में मेरे गांव में 10 पीस मिलता है, कोई कोई 12 पीस भी देता है, या फिर आपको किसी तरीके से कहीं से भी किसी पंसार की दुकान पर आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हो हमारी जो पशु है किस तरीके से पानी को पी रही है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से आप अपनी गाय भैंस को पिला सकते हो, या फिर आप अपनी बकरी को भी दे सकते हो, या फिर जो आपके पास नाद है, खुरली है, जो आपके पास जहाँ पानी स्टोर करते हो, उसको पूरा अच्छे तरीके से आप चूने से पोत दें। पोत देना आपको अच्छे से, यानी पेंट कर देना उसको अच्छे से, पेंट करके आप छोड़ दो, उसको ड्राई होने दें, उसके बाद उसमें पानी भर दें। आप अपने पशु को उस तरीके से पिला सकते हो, या फिर आप जैसे कि आप अपने नाद को देखोगे तो सर मेरे नाद में भी चूना मारा हुआ है। आप इस साइड के वॉल मेरे देखोगे, दीवार देखोगे, यहाँ पे चूना मारा हुआ मिल जाएगा। अगर आप मेरी स्पून को देखोगे तो यहाँ पे चूना मारा हुआ है। हालांकि अगर आप कमेंट करोगे सर आपने सब कुछ चुनाव तो मारा हो नहीं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पूरा कंस्ट्रक्शन काम चालू है यहाँ पे हमारे फॉर्म पे, तो पूरा कंस्ट्रक्शन काम चालू ही है, चालू है। तो जी आप इस तरीके से चुना इसको पिला सकते। अब बात कर दीजिए इसको फीड में, देखिए फीड में कैसे मिला है। तो देखिए जी मैं आपके लिए एक और चीज दिखाता हूँ, ये हमारे पास चोकर है, ये चोकर है। चोकर आप क्या करें, आपके सामने मैं दिखाता हूँ, इसको अच्छे से ऐसे काटना है आपको। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँ, आपके पास अगर एक बड़ी पशु है, जो आपके पास बड़ी पशु, उसको आप 10 ग्राम की मात्रा में चूना, ऐसा आपको चूना निकालना है, इस तरीके से आपको चूना निकाल लेना है, चाहे आपके पशु ब्याई हुई हो या बच्चा दी हो। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है किसान साथियों, अगर आपने पशु का सीमेन रखवाया, अगर आपने अपने पशु का सीमेन रखवाया, उस पशु को ऊपर इसका अप्लाई नहीं करना है। और कभी भी चूना को सूखा आपको नहीं खिलाना है किसान साथियों, कोशिश करें पानी भिगो के किसी फीड में मिक्स करके आपको खिला देना है। आपको ये देख सकते हो, आप इस तरीके से मिक्स कर लें और इस तरीके से आप यहाँ पे खिला सकते हो। इसमें मैंने चूना आपके सामने जो चूना घोला था वही चूना इसके अंदर है। आपको क्या करना, आराम से अपने अपने पशु के पास ऐसे रख दें, आपको ऐसे रख देना। और आपके दोनों पशु देख सकते हो यहाँ पे, जो दोनों पशु है हमारी, दोनों पशु आराम से खा सकते हैं चूना, या फिर आप एक पशु जिसको आपको खिलाना उसको आप खिला सकते हो। तो चोकर मिक्स करके, किसी बांडे मिक्स करके, किसी फीडे मिक्स करके आप अपने पशु खिला सकते हो। तो देखिए किसान साथ, तो चूना देने के जो फायदे मैंने आपको बताया, बहुत सारे फायदे इसको देने से, दूध तो बढ़ता ही बढ़ता है। साथ साथ अगर हम भी उनका दूध पीते हैं तो हमारे पशु के साथ साथ हमारे भी शरीर में बहुत अच्छा कैल्शियम मिल जाता है। अगर आपके पास बकरी है तो आप बकरी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास जो गाय और भैंस है उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो चूना देने का सही तरीका, सटीक तरीका मैंने आपको बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा इसका नहीं लगता। क्योंकि हर जगह में मान लीजिए अगर आप चूना अगर एक बार ले लेते हो, अगर 10 या 20 रुपये चूना अगर आप ले लोगे
जिस हिसाब से मैंने आपको पाउच दिखाया था, छोटी छोटी पाउच दिखाया था भाई, वो पाउच अगर आप ले लेते हो तो समझ जाओ कि 6-7 महीने की भाई, अगर आप पाउच ले ले 10-10 रुपए के लेते हो तो आप 6-7 महीने तक कैल्शियम इसको दे सकते हो और आपके पशु भरपूर मात्रा में दूध देगी। नाद आपके पास हो तो नाद को पेंट कर दें, अगर आपके पास वाल है तो वाल को पेंट कर सकते हो गाय के लिए, आपके पास जो खुरली है खुरली के पास पेंट कर सकते हो, आपके पास जो इस साइड की दीवार दिख रही होगी मेरी इस साइड का दीवार दिखा, अगर आप दीवार को यहाँ पे दीवार को आप यहाँ पे पेंट कर सकते हो, या फिर नीचे फर्श को देखोगे जो आपके पास फर्श है, फर्श के पास आप यहाँ पे चूना का छिड़काव कर सकते हो। सकते हो कि किस तरीके से हमारी गाय इस पानी को पी रही है जो कि मैंने इनको घोल के दिया था कि भाई चूने से किस तरह से पानी पिला सकते हो। आप इस तरीके से रख दें, आपके पशु का जब मन हो तो पानी पी सकते हो, लेकिन जब आपके पशु जिसमें खाना पीना खा ली हो तो कोशिश करें एक बाल्टी पानी ठंडा पानी उसको चूना घोल के आप अपने पशु को दे दें, जिससे हमारे पशु आराम से इसको पिएंगे, जब दिल होगा तब पी सकते। इससे क्या होगा, हमारे पशु का जो कैल्शियम कमी है, फास्फोरस कमी है, मैग्नीशियम कमी है, वो कमी को हम दूर कर सकते हैं। साथ साथ पशु के अंदर जो कैल्शियम तत्व की कमी होती है उनको दूर करते हैं। और एक चीज हमेशा हो, आपकी जो खुरली होती है जहाँ पे आप अपने पशु को बांधते हो वहाँ पे चूने का छिड़काव महीने में या 10 दिन में एक बार जरूर कर दिया करें। तो जी बात ऐसी है कि अभी पूरा फार्म बना हुआ इसलिए चूना थोड़ा सा छिड़काव नहीं किया गया, लेकिन आपके पास जो भी पशु है उसके पास आप कोशिश करें कि जरूर चूने का छिड़काव कर दें। इससे क्या हो, जो आपकी पशु खुर की बीमारी हो तो समस्या आपके पशु का खत्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको पानी रख देना, आप पानी अपने पशु पिएगी। अगर आप अपने पशु की जैसे मान लो जो पानी आपके पानी अगर बच जाता है, इस पानी में आप फीड वगैरह मिक्स करके या कुछ आपके पास जो फीड है जो बांडा दे रहे हो रात्रि के समय सुबह के समय आप अपने पशु खिला रहे हो, तो इस पानी के अंदर आप मिक्स करके आप अपने पशु खिला या पिला सकते हो, किसी कोई इस तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा, हमारी पशु को एक ओरिजिनल कैल्शियम मिल जाएगा। मैं आपको जो भी चीज बता तो सटीक और सही जानकारी आपसे शेयर करता हूँ। आपको पता होता है चूने में जो तत्व है कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, हर एक तत्व चूने के अंदर पाया जाता है। और एक चीज आपको याद रखना है कि क्या हमें गलतियां नहीं करने के साथ साथ, जब आप अपने पशु का सीमेन रखवाते हो, जब अपने पशु का AI करवाते हो, कम से कम आपको 90 दिन तक या कम से कम 45 दिन तक, जब आपको कंफर्म ना हो जाए कि मेरे पशु गाभिन है, तब तक आप चूना उसको ना दे के साथ साथ हो। आप किसी फीड में किसी दलिया मिक्स करके आपके पशु का जब डिलीवरी होने वाला है उस समय आप अपने पशु को खिला सकते हो। तो आप इस तरीके से कहीं पे भी वाल पे, अगर जहाँ पे आपका दलान है, जहाँ पे आपका खुरली, जहाँ पे जहाँ आप अपने पशु को बांधते हो गाय भैंस बकरी का, वहाँ पे आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हो के साथ साथ, इसका रिजल्ट आपको सराहनीय देखने को मिल जाता है। तो ये जो तरीका देने का तरीका चुना कैसा लगा वीडियो में कमेंट्स में, अगर आपको कोई भी सुझाव तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हो। साथ साथ किसान साथियों, मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी आपके पास कोई सी भी गाय या भैंस हो, आपके पास अगर आपने सीमेन रखा उस पशु के ऊपर इसका यूज बिल्कुल भी ना करें किसान साथियों, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है उस समय। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास AI जिसको कर उसको ऊपर आपको अप्लाई नहीं करना। हाँ, आपके पशु अगर बच्चा देने वाले ठीक 10 दिन 15 दिन या 1 महीना पहले आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा देने के बाद क्या करना है आपको, ये सिंग के पास आपको चूना लगा देना, या सिंग पे आप देखोगे तो चूना लगाना, इसे भी आप चूना लगा सकते हो। ये भी एक तरीका है जिससे आपके पशु का जहर गिर जाता है और आपके पशु का तापमान बराबर रहता है, तो आप इस चीज को भी कर सकते हो। खुर संबंधी कोई बीमारी होती तो आप वहाँ पे चूना का छिड़काव कर दें, आपके पशु स्वस्थ रहे, कभी उसको खुर की बीमारी भी नहीं हुई किसान साथियों। तो वीडियो कैसे लिए कॉमेंट्स में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे जी।